भाभी आपके गहने और साड़ी कितने अच्छे हैं। हाँ, पहली फसल के पैसे से खरीदा है। अच्छा है ना? ये जेवर और ये झुमके दूसरी फसल के पैसे से खरीदे हैं। हाँ, ये चूड़ियाँ तीसरी फसल के पैसे से खरीदी हैं। अच्छी है ना? ताजुब की बात है, उनकी तरह हमारे पास भी खेत हैं और उसके बगल में तो हैं, तो उनके खेत में अधिक फसल कैसे होती है? इसमें ताजुब कैसा, भरोसेमंद एरीज चिलामिन जिंक का उपयोग करो। क्या हम खेतों में एरीज चिलामिन जिंक नहीं डालते? नहीं डाला तो क्या हुआ? उनके खेतों में कितनी अच्छी फसल होती है देखा? इस बारे में मेरे पति आपको बताएंगे, चलिए। नमस्ते। 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 अपने खेतों में जो चिलामिन जिंक का उपयोग करते हैं उसके बारे में बताइए ना। पौधों को जिंक कितना आवश्यक है ये सबको पता है, लेकिन चिलेटेड के रूप में एरीज चिलामिन जिंक बाजार में मिलने वाले साधारण जिंक से भी बहुत ज्यादा उत्तम है, ये कुछ ही लोग जानते हैं। एरीज चिलामिन जिंक क्या इतना अच्छा है? बिल्कुल सच है, ये देखो सबसे ज्यादा भरोसेमंद एरीज चिलामिन। पर इसका उपयोग कैसे करें? बताता हूँ, जिंक की कमी को पूरा करने के लिए चिलामिन का धरती पर उपयोग करना बहुत ही अच्छा है। इसे धरती पर डालने से एक मजबूत दायरा बन जाता है और पौधों को जिंक के साथ और दूसरी खाद भी पहुंचाने में मदद करता है। अगर धरती पर भूले से ना डाला हो तो पौधों पर छिड़क सकते हैं। इसे अलग से या फिर दूसरे कीड़े मार दवा के साथ मिलाकर छिड़का जा सकता है। उतना ही नहीं, बड़ी हुई फसल को भी ज्यादा ताकत पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। जो एरीज चिलामिन का उपयोग करेगा उसे फसल रूपी धन का योग मिलेगा।